मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर द रीजनल किंगडम। रीजनल किंगडम में हमने द इमरजेंसी ऑफ किंगडम्स पढ़ लिए थे कि कौन कौन से किंगडम्स होंगे, वो सेपरेट होंगे, क्या रीजन बिहाइंड था कि कैसे सामंत पावरफुल हो जाते थे और अपने किंग को ओवरथ्रो कर देते थे। देन हमने पढ़ा है कि अगर हम एक किंगडम में रूल कर रहे हैं तो रूल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, चलाने के लिए टैक्सेस चाहिए। तो वो टैक्सेस क्यों जरूरी है तो वो भी हमने देख लिया। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा 400 टैक्सेस। अब किंग क्या करता था, अपने किंग के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वहां के जो सिटीजन होते थे, वहां की जो प्रजा होती थी, उनपे 400 प्रकार के टैक्स लगाता था। तो वो 400 टैक्सेस पढ़ेंगे कि वो क्यों लगाता था। कम्प्लीटली हम 400 टैक्सेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट टैक्सेस होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्यों जरूरी है टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वॉज वेरी एसेंशियल टू रन द एम्पायर। अब राजा को अपना एम्पायर चलाना है तो उसका नो डाउट हमें क्या चाहिए, टैक्सेस चाहिए। बिना टैक्स के एम्पायर रन नहीं कर सकता। देन द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु। यहाँ पर हम चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो तमिलनाडु चोलास थे वो कहाँ रूल करते थे, तमिलनाडु। प्रोवाइड अस एंड एविडेंस ऑफ दिस। अब वो क्या कर रहे हैं, टैक्स से रिलेटेड हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। किस एम्पायर से रिलेटेड, चोला एम्पायर से रिलेटेड। और वो हमें कैसे मिले, उनके द्वारा लिखे गए इंस्क्रिप्शन के थ्रू। भाई पुराने जमाने में राजा टैक्स कलेक्ट करता था, तो आज हमें कैसे पता चल रहा है, उन इंस्क्रिप्शन के थ्रू। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, स्टोन पर लिखा गया मैटर इंस्क्रिप्शन कहलाता है। तो चोला एम्पायर जो कि तमिलनाडु में क्या करते थे, रूल करते थे, हमें एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। किस बेसिस पे, किसके थ्रू, कौन से मैटर पे, टैक्स से रिलेटेड। और वो टैक्स से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, उनके द्वारा लिखे गए इंस्क्रिप्शन से। वो कुछ भी करते थे तो वो रिटर्न करते थे, राइट डाउन कर देते थे, कहाँ पर, कभी स्टोन पे, कभी पान की जो लीज होती थी उन पर। तो हमें वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। Then use more than 400 term for different type of taxes. वहां पर कितने taxes की information हमें मिल रही है, 400 types of taxes के बारे में वहां पर लिखा गया है और उनकी हमें information मिल जाती है। यहाँ पर दो taxes जो कि important है वो मैंने यहाँ पर लिखे, वो देखिए। सबसे पहला आता है बेटी। अब यहाँ पर बेटी क्या है, बेटी एक तरह का tax है, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान से देखिए, फोर्स लेबर एक होता है जब आप पे करते हो और दूसरी जगह आप अपना लेबर दे रहे हो, आप अपनी मजदूरी दे रहे हो। किंग क्या करता था, जब अपने कंस्ट्रक्शन के काम करता था, महल बनाता था, रोड बनाता था, डैम्स बनाता था, तो आप क्या करते हो, अपना फोर्स लेबर दे रहे हो, वहां पर जाकर आप मजदूरी कर रहे हो। तो इस तरह का जो टैक्स होता था उसको हम बोलते थे बेटी। मतलब आपने डायरेक्ट पे नहीं करके आपने अपना क्या किया है, एफर्ट्स दिए हैं, मजदूरी दी है, तो वो हो गया वेल्थी। देन आता है कादमी। कादमी कैसा टैक्स था, लैंड रेवेन्यू। जितनी आपके पास लैंड है उस पे अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो या घर बना रहे हो तो वो हो जाता था डायरेक्ट टैक्स, जिसमें आपको डायरेक्टली पे करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। टैक्सेस वर इम्पोज ऑन थैचिंग हाउस। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि अगर आप घर बना रहे हो और घर के ऊपर वो थैच कर रहे हो, रूफ लगा रहे हो, उस पे भी किंग को क्या देना पड़ रहा है, आपको टैक्स देना पड़ रहा है। देन आता है यूजिंग लैडर टू क्लाइंब अ पाम ट्री। ये तो सबसे खतरनाक है कि अगर पाम ट्री क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, और पाम ट्री पर चढ़ने के लिए अगर आप एक लैडर का यूज कर रहे हो तो उस पे भी किंग ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। देन असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। यहाँ पर देखो किंग का फैमिली का जो हेड होता है उसके पास मान लो खूब सारा वेल्थ है, आफ्टर डेथ अगर वो मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, उसके बच्चों को मिलेगी, लाइक बेटी को मिलेगी, बेटे को मिलेगी। मान लो किसी फैमिली में हम फादर से रिलेटेड कर रहे थे कि उसके फादर के पास बहुत सारा वेल्थ था, इनके पास बहुत सारा वेल्थ था, आफ्टर डेथ ये मर गए तो इनका जो वेल्थ होगा, इनकी जो इनकम होगी वो कहाँ जाएगी, उनके बच्चों के पास जाएगी। तो यहाँ पर भी जब वो बच्चों के पास जा रहे हैं तो उन बच्चों को क्या देना पड़ता था, असेस, उसका 20 टैक्स उनको किंग को देना पड़ता था। तो यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड हमने पढ़ लिया। बेटी क्या है, एक तरह का टैक्स, उसमें आपको पे नहीं करके आपको क्या देना पड़ता है, आपका लेबर देना पड़ रहा है, मजदूरी देनी पड़ रही है। लैंड रेवेन्यू से, जिस लैंड पे आप घर बना रहे हो, एडी
किंग को देना ही पड़ेगा। अगर आप घर बना रहे हो, वन स्टोर टू स्टोर दो बिल्डिंग का घर है, एक छोटा सा हट है और उसके ऊपर रूफ भी लगा लो, तो उसका भी टैक्स आपको किंग को देना पड़ेगा। अब पाम ट्री के चढ़ने के लिए भी यहाँ पर किंग ने क्या लगा दिया है, टैक्स लगा दिया। और किसी के फादर को ज्यादा रिच है और उसकी डेथ के बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों तक जा रही है, तो उससे पहले भी किंग को हमें उसे क्या देना पड़ेगा, असेस। मतलब क्या होता है, एक तरह का टैक्स जो कि किंग ने लगा रखा था। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। यहाँ पर प्रशस्ति क्या है और लैंड ग्रांट्स क्या है वो देखिए। प्रशस्ति प्रशस्ति आर द टाइटल प्लेस विच कंटेन डिटेल अबाउट द रूलर। दीज प्रशस्ति वर रिटन बाय द ब्राह्मिन्स इन संस्कृत। ध्यान से देखिए, प्रशस्ति क्या होता है, मैंने कहा था ना कि राजा कुछ भी काम करवाता है तो वो क्या करता है, राइट डाउन करवाता है। किसके थ्रू? अपने जो नीचे ब्राह्मण्स होते हैं वो लिखते थे, कभी स्टोन्स पे लिखते थे, कभी पाम ट्री पे लिखते थे, कभी मेटल मेटल होता मेटल की आपने पेज देखी होगी पुराने जमाने में, उन पे वो लिखते थे। तो प्रशस्ति एक प्रशस्ति आर द मेटल प्लेट, मेटल प्लेट होती थी विच कंटेन डिटेल्स, प्रोवाइड करती थी हमें डिटेल्स प्रोवाइड करती थी अबाउट द रूलर, किसके बारे में, रूलर के बारे में। दीज प्रशस्ति वर रिटन बाय द ब्राह्मिन्स, कौन लिखते थे ये, ब्राह्मिन्स लिखते थे। और लैंग्वेज कौन सी होती थी, संस्कृत में, एंड रीजनल लैंग्वेज, वहां की जो लोकल लैंग्वेज होती थी उस लैंग्वेज में। द डिटेल गिवन इन द प्रशस्ति मे नॉट बी लिटरली ट्रू। अब क्या ये क्वेश्चन बनता है कि जो ब्राह्मिन ये लिख रहे थे किंग के बारे में, किंग की ग्लोरीफाई के बारे में, तो क्या वो ट्रू होती थी, नहीं, क्योंकि उनमें किंग का प्रेशर रहता था, जैसा किंग बोलेगा कि मेरे बारे में ऐसा लिखो, बड़ा विक्टोरियस दिखाओ मुझे, मेरी ग्लोरी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करो, आगे आने वाले फ्यूचर की जनरेशन देखेगी कि भाई हाँ ये इतना पावरफुल किंग हुआ था। तो ब्राह्मिन्स में क्या रहता था, थोड़ा सा किंग का प्रेशर रहता था कि भाई राजा के बारे में हम कैसे बुरा लिखे, अगर ज्यादा बुरा लिखेंगे तो उसका क्या करवा देंगे, सरदार हम करवा देंगे, मरवा देंगे। तो ब्राह्मण्स के ऊपर प्रेशर रहता था कि वो राजा की बात माने। तो जो हमें कभी कभी ऐसे डिटेल्स मिलते थे वो ट्रू हो जरूरी नहीं है, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। अब जैसे रूलर चाहेगा वैसे ही ब्राह्मण्स उसको लिखेंगे, एज वायलेट विक्टोरियस वॉरियर, जीता हुआ एक होता है ना योद्धा, वो इतिहास में अपने आपको देखना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा द अचीवमेंट ऑफ नाग भट्ट। देन आता है हमारा लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किंग का एक बड़ा सा एम्पायर होता है, क्या उस एम्पायर को पूरी तरह से वो खुद प्रोटेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, वो प्रोटेक्ट किंग के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने किंगडम में बैठे थे इतने बड़े किंगडम में वो पूरा रूल कर सके। तो वो क्या करते थे, अपने फेवरेट्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो उसके बोन होते थे, रिलेटिव होते थे, वो क्या कर देता था, अपने एम्पायर के कुछ पार्ट्स को क्या कर देता था, दे देता था। ब्राह्मिन्स यहाँ क्या करते थे, प्रशस्ति लिखने का काम करते थे, किसके लिए, राजा के लिए, वो राजा के थोड़े क्लोज में होते, राजा उन्हें पसंद करते थे। तो ये हो गया हमारे किंग का एक एम्पायर, ये हमारा किंग है। पहले उसकी इतनी टेरिटरी है कि वो खुद इतनी जगहों पर ध्यान नहीं रख सकता, कोई अटैकर आ जाए, दुश्मन आ जाए, तो क्या वो यहाँ 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 सब जगह पहुंच सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो जो उसके रिलेटिव होते थे और नोन पर्सन होते थे लाइक करता था, उनको वो अपने इस एरिया को कभी ये एरिया ब्राह्मण्स को दे दिया, देन ये एरिया कमांडर चीफ को दे दिया, आर्मी चीफ को दे दिया, यहाँ पर अपने नोन पर्सन उसको दे दिए, ठीक है। तो ये क्या करते था, किंग क्या करता था, इनको लैंड ग्रांट कर देता था। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ये क्लियर होता है, जिसमें हमने पढ़े थे एक्सेसिव रिलेटेड प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में। थैंक यू। और